दोस्तों मार्केट डिलीवरी में हम लोग देखेंगे कि 11 सितंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोला हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो रहते हैं, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। और दोस्तों और एक बात है कि आने वाले संडे को हमारा एक संडे स्पेशल बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15 तारीख को संडे को चालू हो रहा है। वो संडे टू संडे बैच रहेगा और उसका टाइमिंग रहेगा 10 से 1 के बीच में। जिनको भी इस क्लास में ज्वाइन करना है, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 11 सितंबर को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आज कल के दिन में छुट्टी रहेगा और मार्केट 11 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। तो 10 तारीख को जो मुहर्रम है उसका एक छुट्टी है, तो कल के दिन थोड़ा रेस्ट रहेगा। लेकिन मैं आज ये वीडियो बनाता हूँ। देखिए आज जो मार्केट क्लोज हुआ है 56 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है, और जैसे मैंने वीकली व्यू में अभी आपको बताया था कि थोड़ा सा मार्केट का बायस जो है कि पॉजिटिव दिख रहा है। हमने कुछ एनालिसिस भी किया था, जैसे कि ये जो बड़ा कैंडल था नेगेटिव कैंडल, तो ऐसा कुछ बड़ा कैंडल सिग्निफिकेंट कैंडल आता है तो अगर उसके नीचे मार्केट क्लोज होता है ये नेगेटिव होता है, और उसके ऊपर क्लोज होता है ये पॉजिटिव होता है। आज मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज देके थोड़ा एक मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाया, ये बायस या बुल्स के लिए अच्छा है। लेकिन अब अगर थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको अगर वीकली चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, तो देखिए वीकली में यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया, तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने एक बार तोड़ा है, फिर से जोड़ा है और फिर से तोड़ा है लास्ट वीक में। लेकिन इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग थोड़ा डेली में ये देखते हैं, तो ये लाइन आपको यहाँ पे दिखता होगा जहाँ पे आज मार्केट ने हाई बनाया था। तो एक अभी तक ये जो है कि रेजिस्टेंस दिखा रहा है मार्केट को, तो इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा तो वो भी और एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ ये भी कुछ जो कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी बात है कि मार्केट पॉजिटिविटी दिखा रहा है। लेकिन अच्छा पॉजिटिविटी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो अच्छा हो सकता है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि कल के लिए हमको क्या क्लोज हो सकते हैं और मार्केट का बयास, यानी कल के लिए नहीं परसों के लिए बयास कैसा हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि मार्केट ने जो कल का कैंडल था उसके हायर आया और हायर लो बनाया और बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा, आपने चार्ट पे यहाँ पे देखा होगा कि 11,005 जो हमारा लेवल है, देखिए यहाँ पे मैंने एक लेवल डाला था टेक्निकल, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होने को थोड़ा सा डिफिकल्टी दिखा रहा है। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो अच्छा चल सकता है। मैं थोड़ा आपको 5 मिनट का चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ कि इंट्राडे में कैसा मार्केट चला था। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए इसके नीचे मैंने आपको सेल भी बोला था, तो सेल में एक टारगेट हुआ था 926 से लेके 10,900। तो यहाँ पे देखिए कि 10,900 में मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया, तो 10,900 जो है ये मार्केट का बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट है। यहाँ से ये रिवर्स हुआ तो इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, फिर जो 10,926 देखिए यहाँ पे फिर से आपको प्राइजेशन दिखाया और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखाया, और जो इम्पोर्टेंस था 10,967 जो बड़ा सिग्निफिकेंट कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक कैसे किया देखिए बड़ा कैंडल के साथ, तो ये प्राइजेशन हुआ अगेंस्ट इसको यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से एक टारगेट दिया। तो देखो निफ्टी अगर मार्केट कैसे भी हो जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, लेवल सबको दिखा देते बाय क्या करना है और सेल क्या करना है। और ये जो 10,967 के ऊपर मार्केट अभी सस्टेन है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कल को अगर आपको बाइंग में रहना है तो बाइंग या सेलिंग में जाना है तो आपको शॉर्ट सेल करना है, तो 10,967 ये आपका एक बहुत सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है सोचना नहीं है, आपको लेवल के यहाँ पे ट्रेड करना है। फिर से मार्केट अगर 11,005 के ऊपर जाता है तो आप बाय में रह सकते हो, लेकिन आपको अगर श्योर बाय चाहिए तो नेक्स्ट वाला जो लेवल रहेगा 11,052 उसके ऊपर जाएगा तो आपको एक श्योर बाइंग मिल सकता है। तो ये लेवल जो है जो क्रॉस करते वहाँ पे प्राइजेशन बनता है, तो आप उसमें बाइंग में रह सकते हो। ओवरऑल अभी देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव साइड में है, लेकिन ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है ये भी आपको देखना पड़ेगा, इसको ब्रेक करने पाते हैं कि इंट्राडे में फिर से ये लेवल पे रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ सकता है कि ये भी देखना पड़ेगा। तो मार्केट थोड़ा एक बॉर्डर पे आपको कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, बीच में
कल का एक छुट्टी है, तो उसके बाद वर्ल्ड मार्केट भी कैसे रिएक्ट करता है हमको वो भी उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग लेवल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड लेना है पूरा आप लेवल पे लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए दोस्तों की वीकली इस व्यू में भी मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बताया था और ये ट्रेंड लाइन हमने निकाला था, तो अब एकदम नजदीक क्लोज जाके देखेंगे। देखिए बरोबर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी, तो ये लेवल अगर पार करता है और उसके ऊपर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी अच्छा जा सकता है। और बैंक निफ्टी का जो चार्ट बना है वो नीचे से बाइंग भी आया है और कल का कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, और कल का जो लो था यानी कि पहले वाला प्रीवियस डे का कैंडल उसका लो भी ब्रेक नहीं किया, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा अच्छा अभी कैंडल बना रहा है। हम लोग थोड़ा इंट्राडे में भी देखेंगे, तो इंट्राडे में भी देखिए कि शुरुआत होने के बाद ये नीचे गया फिर से ऊपर गया, लेकिन ये 27,500 का देखिए जो लेवल है, ये लेवल में जो कि मार्केट बहुत ही कंफ्यूज, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज दिख रहा था। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में आपको फिर से लॉन्ग जाना है तो ये जो लेवल है 27,500, तो यहाँ पे हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऊपर जो लेवल है, अगर आज का जो हाई बना था तो बैंक निफ्टी का हाई जो बना था 27,565 इसके ऊपर जाएगा तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और शॉर्ट के लिए अगर इसमें बहुत दूर दूर लेवल है इसलिए मैं शॉर्ट के लिए आपको नया लेवल देता हूँ, 27,407 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट कर सकते हो, नीचे वाले लेवल आ सकते हैं। नीचे वाला ये जो लेवल है 27,287 ये मुझे थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपको देखना चाहिए अगर शॉर्ट में आता है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब लेवल पे आने के बाद प्राइस एक्शन कैसे करता है वो आपको देखना है। ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है ये भी मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। इसमें भी जैसे कि ट्रेंड लाइन जो हमारे ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होता है तो और भी अच्छा होगा। और वीकली में आपके दूर वाले जो लेवल्स है मैंने वीकली में आपको बताया उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस। तो देखिए रिलायंस जो उसने ट्राई किया था ऊपर जाने का, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो इम्पोर्टेंस लेवल है 1225 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, ये पहले सपोर्ट था यहाँ पे भी सपोर्ट था, तो जब तक ये 1225 के ऊपर क्लोज नहीं होता ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। आज भी गया था लेकिन वो वहां से वापस से रिटर्न आ गया, तो यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा कैंडल बनाया और यहाँ पे थोड़ा सा क्लूलेस है, तो मैं इसका जो बाइंग या सेलिंग का जो लेवल है मैं अगर जिस दिन ये 1225 के ऊपर क्लोज होता है तो हम इसको स्ट्रांग समझेंगे, फिर हो जाएगा 1248 के पास, तो मैं इसका बाइंग और सेलिंग का इंट्राडे का लेवल आज नहीं देता हूँ। एक बार उसको ऊपर क्लोज होने दो फिर हम सोचेंगे उसमें बाइंग का, लेकिन अगर वो कभी भी 1184 के नीचे जाता है तो फिर से ये वीक हो सकता है, ये नजदीक वाला लो है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कल के लिए कुछ भी ट्रेड करना है यानी कि परसों के लिए, तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे देखें कि एलएनटी जो है ये डबल बॉटम बना रहा है और एक स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन मैं इसका लेवल है थोड़ा दूर है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो लेवल है 1380 ये जो डबल बॉटम बना रहा है, तो 1380 कभी भी क्लोज करेगा यानी परसों नहीं कि उसके नेक्स्ट डे भी करेगा, उसके ऊपर इंट्राडे में भी आपको ट्रेंड मिल सकता है, तो आप एलएनटी पे ध्यान देना, ये डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पे आपको एक दो दिन में ट्रेंड मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बजाज फाइनेंसर देखेंगे। तो ये देखिए कि बजाज के दोनों भी स्टॉक ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, तो बजाज फाइनेंसर का जो एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे दूसरे दिन भी ग्रीन बना के उसने कंफर्मेशन दिया है ब्रेकआउट का, तो ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के बाद एक जो स्टॉक है ये पॉजिटिव जाना चाहिए। तो अगर आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये लेवल के ऊपर यानी कि 7355 के ऊपर आपको ट्रेड मिलता है इंट्राडे में ट्रेड मिल सकता है, यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। तो देखिए कि ये दोनों भी बजाज के ट्विंस है, बहुत अच्छे चले आज और अच्छे इसमें बाइंग आया, अगर मैं निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट जो होगा तो ये दोनों के ऊपर से ही होगा अच्छी तरह। तो यहाँ पे देखिए कि 3450 के ऊपर अगर कल जाता है तो क्योंकि ये पहले रेसिस्टेंस देखिए कि यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस था और आज भी भाव जाके रुका है, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 3450 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें इंट्राडे का बाइंग मिल सकता है। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से थोड़ा एक दो दिन नीचे जाके फिर से ये लेवल ब्रेक करे, तो कभी कभी मैं लेवल देता हूँ उस दिन नहीं होता है ब्रेक तो एक दो दिन के बाद भी होता है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है याद रखना, आप बाद में जाके भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं SBI। तो देखिए SBI में यहाँ पे कुछ बाइंग आती हुई दिख रही है और ये बॉटम आउट थोड़ा बनाते हुए दिख रहा है,
लेकिन अगर आपको परसों को बाय करना है तो 278 के ऊपर यहाँ पे निकलता है, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बाइंग आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है ONGC, तो यहाँ पे ये जो ONGC है इसमें भी एक अच्छा जो है कि टेक्निकल बन रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पे नज़दीक दिखाता हूँ। यहाँ पे तो देखिए ये हाई को आज उसने टच किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे भी अगर ये जो है कि 120 130 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। यहाँ पे उसने ऑलरेडी एक डबल बॉटम बनाया था और डबल बॉटम के ऊपर एक क्लोज हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। तो आप इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे HUL। तो देखिए HUL जो है कि अच्छा खासा इसमें एक मूवमेंट हुआ है, ऊपर जाके आ गया है। थोड़ा सा इसमें आज देखो बाइंग आई थी लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया और ऊपर से इसमें सेलिंग आ गई है। तो इसमें आप कॉन्ट्रा ट्रेड भी देख सकते हो, वो जो रहेगा कि सेलिंग का, तो 1816 के नीचे अगर जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो आपको ये सेलिंग में मिलेगा, और सेलिंग के बाद जो नेक्स्ट टारगेट उसका आता है 1790 के आसपास आने का ये कोशिश कर सकता है। तो आप ये सेलिंग के लिए देख सकते हो। नेक्स्ट जो है कि कोटक बैंक, तो कोटक बैंक के बारे में मैंने वीकली में भी बताया था कि अगर यहाँ पे हमने शॉर्ट लिया था लेकिन देखिए कि ये फिर से रिवर्स हुआ और यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आना चाहिए, तो ये रिटेस्ट करके नया तो 1455 के ऊपर एक क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि कॉन्ट्रा ट्रेड हो सकता है, फिर से इसमें बाइंग आ सकती है क्योंकि अपने बाइंग एरिया में गया है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिविटी होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो 1475 के ऊपर इसको अभी बाइंग करना चाहिए, और जिनका शॉर्ट रहेगा तो इसमें शॉर्ट से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि जो जो लेवल ब्रेक किया था उसके ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो बाइंग के यहाँ पे टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और नया सॉरी सेलिंग के शॉर्ट सेलर के यहाँ पे टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और जिन जिनको नया बाइंग करना है उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे TCS। तो TCS देखो मैंने सेल को दिया था और वो सेल भी हुआ है और उसको 2 दिन लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, तो इसमें एक कंफर्मेशन आया कि सेलिंग का। तो यहाँ पे आप आने वाला ट्रेडिंग सेशन में इसको सेल को कंसिडर कर सकते हो। तो इसका जो लेवल है 2178 के नीचे इसको आप सेलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी स्टॉक है जो मैंने आपको आज बताया। तो जैसे कि ये मेरे टेक्निकल लेवल से या मेरे टेक्निकल व्यू से, ऐसा नहीं कि ये सब लेवल वर्क करना चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके इसमें ट्रेड कीजिए, और आपको ऐसी टेक्निकल ऐसे सीखना है तो मेरे साथ आके मुंबई थाने में आके आप सीख सकते हो लाइव मार्केट में। और आने वाला संडे जो है वहाँ पे हमारा एक नया संडे का बैच चालू हो रहा है, उसके मैं डिटेल आपको यहाँ पे देता हूँ। जिनको भी संडे बैच अटेंड करना है वो हमारे पास आके संडे का बैच अटेंड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।